To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम भैयावन, आज के कलांश में हम लोग जलवायु नियंत्रण टॉपिक के साथ जो है चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा जो है आप लोगों की जो है जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जलवायु हमारे संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। जलवायु न केवल हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे जेनेटिक संरचना को भी प्रभावित करती है। हमारे त्वचा का रंग किस तरह का होगा, हमारा खान पान किस तरह का होगा, हमारी वेशभूषा किस तरह की होगी, इसका निर्धारण जलवायु करती है। अर्थात जलवायु एक लंबे समयावधि तक एक बहुत बड़े जो है क्षेत्र को प्रभावित करती है। और इस तरह से जलवायु के अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के लोग रहते हैं वहाँ के लोगों की जलवायु के अनुसार जो है रंग रूप वेशभूषा रहन सहन का स्तर होता है, एवं संपूर्ण प्रकार के जो जीवन को जीने के लिए जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं वह सारे जो है जलवायु से निर्धारित होते हैं। जलवायु हमारे आवास के लिए, हमारे खान पान के लिए, हमारे आर्थिक क्रियाकलाप के लिए इतना प्रभावी होता है, तो जलवायु भी कुछ ऐसे कारक हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके आधार पर जलवायु भी प्रभावित होती है, जलवायु भी नियंत्रण भी होता है। आइए हम कुछ वैसे बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे जलवायु को नियंत्रित करती है, हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। जलवायु भी नियंत्रण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, उन तमाम कारकों को हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। पाला जो है अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब एवं पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराएं हैं एवं उच्चावत लक्षण है। क्रमशः इन तमाम जलवायु नियंत्रण के जो बिंदु हैं उनका हम जो है सीरियल क्रम में वन बाय वन जो है अध्ययन करेंगे। पाला जो बिंदु हमारे पास है जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाला, वह जो है अक्षांश है। हम सभी लोग जानते हैं कि अक्षांश क्या है, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, उन तमाम अक्षांशों में प्रमुख अक्षांश कितने होते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें, यह अक्षांश जो प्रमुख रूप से होते हैं वह चार होते हैं, और कुल अक्षांशों की संख्या जो होती है 180 होती है। यह पूरी जानकारी जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको दी जा चुकी थी। तो इस तरह से जो है अक्षांश किसी भी देश या किसी भी स्थान की स्थिति को जो है निर्धारण करने में, लोकेट करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। अक्षांश के माध्यम से संसार में कौन सा स्थान किस क्षेत्र में है इसका निर्धारण हम जो है अक्षांश के माध्यम से ही करते हैं। तो अक्षांश किस तरह से जलवायु नियंत्रण करता है, जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करता है, इसका बारे में जो है हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हम ग्लोब का सहारा लें तो ग्लोब को बीचों बीच से दो भागों में बांटने वाली रेखा को जो है हम विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। यह जीरो डिग्री अक्षांश पर खींची जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा तापमान इसी के आसपास मिलती है, अर्थात विषुवत रेखा पर ही जो है सबसे ज्यादा तापमान मिलती है। इसका जो मुख्य कारण है, इस रेखा पर सूर्य की जो है सालों भर किरणें जो है सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें सालों भर पड़ने के कारण यहाँ सबसे ज्यादा जो है तापमान मिलता है, तापमान प्राप्त होता है। यही कारण है
इस रेखा पर, भूमध्य रेखा पर जो है निम्न दाब की जो है स्थिति बनती है। ज्यादा तापमान होने के कारण यहाँ जो है निम्न दाब की स्थिति होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इस रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम इस रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएंगे और जैसे जैसे इस रेखा से जो है दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाएंगे, तापमान क्रमशः कम जाएगी। हम यहाँ यह भी देखते हैं जब कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है तो अक्षांशों की संख्या बढ़ती है लेकिन तापमान में गिरावट आता है। वही प्रक्रिया जब कोई व्यक्ति दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है तो अक्षांशों की संख्या बढ़ती है लेकिन तापमान में गिरावट आता है। लेकिन अगर हम उत्तरी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की ओर चलें, दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की ओर चलें, तो यहाँ पर जो है अक्षांशों की संख्या कमती जाएगी और तापमान जो है बढ़ती जाएगी, अपोजिट होगा। अगर हम भूमध्य रेखा से गोलार्ध की ओर जा रहे हैं तो अक्षांशों की संख्या बढ़ेगा, तापमान कमेगा। लेकिन अगर गोलार्ध से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं तो यहाँ जो है अक्षांशों की जो है संख्या कमेगी और तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी की गोलाई होने के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान तापमान की स्थिति नहीं बनती है और इस तरह से अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग प्रकार के जो है तापमान प्राप्त होते हैं और इस तरह से अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग तापमान पाए जाने के कारण यह अक्षांश जो है जलवायु नियंत्रण करती है, जलवायु को प्राप्त करती है। अगर हम भूमध्य रेखा के आसपास का जीवन आपन को देखें, क्योंकि यहाँ उष्णकटिबंधीय जोन पड़ता है, उष्णकटिबंधीय कटिबंध की स्थिति में यहाँ प्रत्येक दिन सुबह से लेकर के 12 बजे तक जो है भीषण गर्मी पड़ती है और 12 बजे से लेकर के शाम तक जो है मूसलाधार वर्षा होती है। भीषण गर्मी और भीषण वर्षा होने के कारण हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर जो है सदाबहार वन, चीर हरित वन, सेलवा वन पाए जाते हैं। जिस वन के जिस पौधे की पत्तियां जो है कभी भी एक बार नहीं गिरती है और यह वन जो है सालों भर हरा भरा दिखता है। तो इस तरह से जो है आधुनिक वैज्ञानिक के युग में यहाँ जो है विकास करने की अभी जरूरत है। यह क्षेत्र आज भी ज्यादा विकसित नहीं है क्योंकि बिहार वन एवं भौगोलिक जो जलवायु प्रतिकूल होने के कारण जो है यहाँ जितना भी विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। तो इस तरह से पृथ्वी की गोलाई होने के कारण अक्षांशों पर अलग अलग जो है तापमान की स्थिति होती है। विषुवत रेखा पर जहाँ तापमान सबसे ज्यादा होता है वहीं ध्रुवों पर जो है तापमान बहुत कम होती है और इस तरह से जो है अलग अलग जो देश जो है अलग अलग जो देशों की स्थिति ग्लोब पर है वहाँ का जीवन आपन, रहन सहन, आर्थिक क्रियाकलाप जो अलग अलग प्रकार की होती है। इस तरह से अक्षांश भी जो है जलवायु को जो है नियंत्रित करती है, जलवायु नियंत्रण को जो है प्रभावित करती है। अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत के लोग काले होते हैं तो यह भी जो है हमारे अक्षांश से ही प्रभावित होती है। दक्षिण भारत का बहुत सारा जो क्षेत्र है विषुवत रेखा के आसपास होने के कारण, चाहे वह हम तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, केरल की बात करें, यह तमाम क्षेत्र जो है विषुवत रेखा के आसपास ज्यादा होने के कारण यहाँ सालों भर जो है भीषण गर्मी ज्यादा पड़ती है, विषुवत रेखा का जो है प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि वहाँ के जो लोग हैं वह काले, उनके जो है त्वचा के रंग होते हैं। तो इस तरह से जो है अक्षांश हमारे न केवल जो है जेनेटिक संरचना बल्कि हमारे आर्थिक क्रियाकलाप, हमारे कृषि को, हमारे धार्मिक रीति रिवाज को, हमारे परंपराओं को एवं हमारे संपूर्ण जो है जीवन तंत्र को, जीवन प्रक्रिया को जो है प्रभावित करती है। इस तरह से जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाला जो दूसरा जो प्रमुख कारक है वह है
ऊंचाई, दूसरा जो प्रमुख कारक जो है वह है ऊंचाई, जिसे तुंगता भी कहा जाता है। ऊंचाई भी जो है जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करती है। अगर हम बात करें कि सूर्य की पहली किरण पर्वत पर ही पड़ती है और सूर्य की आखिरी किरणें भी जो है पर्वत पर ही पड़ती है, इसके बावजूद भी पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र जो है या पहाड़ पर्वत का जो ऊपरी भाग है, श्रेणियां है, वह ज्यादा गर्म नहीं होती है मैदानी भागों की अपेक्षा। तो इसका एक प्रमुख कारण है, जैसे जैसे हम ऊंचे क्षेत्रों की ओर जाएंगे, जैसे जैसे जो है हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, या जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है तापमान कमता जाता है एवं हवा का घनत्व में भी जो है कमी होती जाती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कमता है। वहीं अगर हम नीचे की ओर धरातल की ओर अगर जाएं, तो प्रति 32 मीटर पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में इंक्रीज होती है, बढ़ोतरी होती है। तो अगर कोई व्यक्ति ऊंचे क्षेत्र में जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में जाता है सैर सपाटा के लिए या पर्यटक करने के लिए, तो ऊपर की ओर हम जैसे जैसे जाएंगे यहाँ पर जो है तापमान कमेगा, और तापमान कमने के कारण जो है दबाव भी कमेगा, और इसके कारण जो होता है हवा का घनत्व भी जो है कम होता है। हवा के घनत्व कम होने के कारण, तापमान कम होने के कारण ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हवा का दबाव कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर जो है खाना देर से पकता है। अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करता है तो उसे फाउंटेन पेन जो है ले जाने की इजाजत नहीं होती है, इंक वाले पेन ले जाने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वायु का दबाव कम होने के कारण वह पेन से इंक निकल सकता है और उनके जो है कपड़े को जो है गंदा कर सकता है, इंक से जो है रंगीन कर सकता है। इस तरह से जो है ऊंचे पर्वतीय इलाकों में जल आपूर्ति के लिए जब पाइप के माध्यम से पानी भेजा जाता है, तो अत्यधिक ठंड के कारण कभी कभी जो है पाइप फट जाता है, क्योंकि पाइप में पानी जब प्रवाहित होती है, अत्यधिक ठंड होने के कारण पर्वतीय इलाकों में वह पानी बर्फ के रूप में सॉलिड हो जाता है, जम जाता है, और जैसे ही वह पानी बर्फ के रूप में तब्दील होती है उसका आयतन बढ़ जाता है और वह लोहे का पाइप को जो है मार देता है। तो यह तमाम जानकारी से पता चलता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में एवं ऊंचे क्षेत्रों में तापमान कम होता है, हवा का जो घनत्व है कम होता है, तापमान कम होने के कारण, हवा का घनत्व कम होने के कारण यहाँ पर वायु का दबाव कम होता है, और इस तरह से ऊंचाई भी जो है जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु नियंत्रण को जो है प्रभावित करती है। तीसरी जो प्रक्रिया है, जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाला जो तीसरी जो प्रक्रिया है वह जो है आपका वायुदाब एवं पवन तंत्र। वायुदाब एवं पवन तंत्र भी जो है जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करती है। जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करने वाले तीसरा जो प्रमुख जो बिंदु है वह बिंदु है जलवायु, वायुदाब एवं पवन तंत्र। तीसरा जो बिंदु है वह बिंदु है वायुदाब एवं पवन तंत्र। जलवायु नियंत्रण के तहत तीसरे जो बिंदु है वह वायुदाब एवं पवन तंत्र है। वायुदाब एवं पवन तंत्र भी जो है जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करती है। अभी तक जानकारी में आप लोगों को है, आप लोग इस जानकारी से अवगत हैं कि धरातल से ऊपर कई सौ किलोमीटर तक पृथ्वी के जो है चारों हवा का एक आवरण होता है। वह आवरण विभिन्न गैसों से बनी होती है, धूल कण से बनी होती है, और यह जो है पृथ्वी के धरातल पर
पट्टी का ही क्षेत्रफल पर जो है दबाव डालती है। तो इस तरह से वायु के दबाव को, एयर के प्रेशर को जो है वायु दाब कहा जाता है। यह धरातल से ऊपर जो है कई सौ जो है किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है और इस तरह से कई सौ मीटर की ऊंचाई एवं पृथ्वी के जो है चारों ओर हवा का आवरण होने के कारण जो है यह हवा का जब दबाव लगता है तो इस तरह से जो है यह प्रक्रिया वायु दाब कहलाती है। तो वायु दाब वह प्रक्रिया है अर्थात वायु जो दबाव है यह वायुमंडल में कई प्रकार के गैसें पाई जाती है और इस गैस का आवरण जो है पृथ्वी के चारों ओर चाहे वह नीचे हो चाहे ऊपर हो कई सौ मीटर की ऊंचाई तक होती है और इस तरह से जब हवा का दबाव लगता है तो वह प्रक्रिया जो है वायु दाब कहलाती है, वायु का जो है दबाव कहलाती है। वायु दाब सबसे ज्यादा जो है अब आप यह जानना चाहेंगे कि वायु दाब कहाँ पर किस क्षेत्र पर ज्यादा होता है तो पृथ्वी का जो जलीय क्षेत्र है जो जलीय भूभाग है वहां पर वायु का दाब ज्यादा होता है। वहीं जो गर्म एवं स्थलीय क्षेत्र है वहां पर जो है एयर का प्रेशर जो है कम होता है। तो वायु का दाब जहां पर ज्यादा होगा अगर माना जाए या कोई अगर स्थलीय भूभाग है अगर हम बात करते हैं यह स्थलीय जो है भूभाग है और अगर यह जो है पानी वाला जलीय क्षेत्र है अगर यह जलीय क्षेत्र है तो इस भाग में जो है इस एरिया पर जो है वायु का दबाव जो है ज्यादा होगा। इस एरिया पर जो है वायु का दबाव ज्यादा होगा और इसके बनिस्पत जो है यहाँ पर जो है इसके बनिस्पत यहाँ पर जो है वायु का दबाव जो है कम होगा क्योंकि यह भाग जो है पानी का है जलीय क्षेत्र है। जलीय क्षेत्र में जो है वायु का दबाव ज्यादा होता है लेकिन स्थलीय जो भूभाग है उसको कंपेयर करने पर यह गर्म माना जाता है इसलिए यहाँ पर जो है वायु का दबाव ज्यादा होता है कम होता है। जलीय क्षेत्र में वायु का दबाव ज्यादा होता है स्थलीय क्षेत्र में जो है वायु का दबाव कम होता है। तो जिस क्षेत्र में वायु का दबाव ज्यादा होगा अगर मान जाए यहाँ पर वायु का दबाव ज्यादा है तो यहाँ पर जो है हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा। यहाँ पर जो है हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब का जो है क्षेत्र बनेगा हाई प्रेशर का जो है एरिया बनेगा और यहाँ पर अगर वायु का दबाव कम है यहाँ पर जो है निम्न दाब का जो है निम्न दाब का जो है क्षेत्र बनेगा मतलब लो प्रेशर का एरिया बनेगा। और इस तरह से हवा का जो डायरेक्शन होगा एयर का जो डायरेक्शन होगा हवा का जो डायरेक्शन होगा वह उच्च दाब से जो है निम्न दाब की ओर होगा। इस तरह से वायु दाब एवं पवन तंत्र भी जो है जलवायु को प्रभावित करता है। अगर जलीय क्षेत्र से पानी वाले स्रोत से अगर पवन अगर आ रही है हवा अगर आ रही है तो वह क्षेत्र में जो है जलवायु एवं मौसम को जो है शीतोष्ण करेगा ठंडक लाएगी एवं वहाँ के रहने वाले लोगों को जो है ज्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होगा एवं वह अनुकूल जो है जीवन जिएंगे। लेकिन अगर वही स्थलीय भूभाग से अगर हवा आ रही है तो यह गर्म ज्यादा होगा और उनको जो है जीवन में थोड़ी सी जो है कठिनताएं आएगी परेशानी आएगी वह अपने आप को जो है बेचैनी महसूस करेंगे। तो वायु दाब एवं पवन तंत्र जो है कई बिंदु पर निर्भर करता है जिसको अगले वीडियो में जो है हम डिटेल के माध्यम से जो है आपको समझाने का कोशिश करेंगे क्योंकि वायु दाब एवं पवन तंत्र प्रमुख रूप से जो है तीन बिंदु के तहत काम करता है और यह एक जो है जटिल प्रोसेस है लेकिन इसके जो है अगले वीडियो में जो है हम आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है जानकारी प्रदान करेंगे। तो वायु दाब एवं पवन तंत्र भी जो है जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करती है और इस तरह से वायु दाब के मापक जो यंत्र होता है उसको बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर का उपयोग जो है सर्वाधिक एयरपोर्ट पर किया जाता है क्योंकि एयरपोर्ट में जो बैरोमीटर लगा रहता है उसमें पारा जो है उसके अंदर मौजूद रहता है। अगर बैरोमीटर का पारा नीचे गिरता है तो यह समझा जाता है कि उस हवाई अड्डा पर एयरपोर्ट पर जो है
उचित पलों में तूफान आने वाली है, इसलिए वहां जो है एरोप्लेन का लैंडिंग करने की जो है इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि बैरोमीटर का जब पारा वहां गिरता है तो जो कर्मचारी वहां मौजूद रहते हैं वह बैरोमीटर में लगे पारा का जो है अवलोकन करते हैं, और अगर बैरोमीटर में लगा पारा अगर नीचे गिरा होता है तो समझा जाता है कि इसके आसपास या इस एयरपोर्ट पर जो है अभी भयानक जो है तूफान आने वाली है, तेज हवा आंधी चलने वाली है, और वहां पर जो है किसी भी फ्लाइट को जो है लैंड करने की इजाजत नहीं जाती दी जाती है। इस तरह से जो है उस हवाई जहाज एवं उसके सवार को जो है खतरे से जो है दुर्घटना से जो है बचा दिया जाता है। तो इस तरह से वायु दाब मापी यंत्र को जो है बायोमीटर कहा जाता है, और वायु दाब सबसे ज्यादा जलीय क्षेत्र में होगा स्थलीय क्षेत्र की अपेक्षा, और जिस क्षेत्र में ज्यादा वायु का दबाव होगा वहां से उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, और उस उच्च दाब के क्षेत्र से हवा जो है निम्न दाब की ओर चलेगी। इस तरह से वायु दाब एवं पवन तंत्र भी जो है जलवायु नियंत्रण को प्रभावित करती है। अगली जानकारी जो है इसके और जो बिंदु है वह दूसरे वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। धन्यवाद।